मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 13 फरवरी 2024 एंड आई एम होस्ट आशीष बरुआ। आइए देखते हैं, डॉलर इंडेक्स अभी है आपका 104.23। आज यूएस सीपीआई डेटा है जो मार्केट का सेंटीमेंट को एक डायरेक्शन देने के लिए बाजार वेट कर रहे हैं। ये सीपीआई डेटा के बाद डॉलर इंडेक्स क्या ये स्विंग हाई को तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है? इन सच केस डॉलर इंडेक्स इज हेडिंग टुवर्ड्स 106.50। अगर ये नीचे की तरफ आता है एंड ट्रेंड लाइन सपोर्ट को तोड़ के नीचे के एक स्ट्रॉन्ग क्लोज देता है एंड फॉलो थ्रू सब्सिक्वेंटली मिलता है, इन सच केस डॉलर इंडेक्स में सॉफ्ट जीबीपी डॉलर 1.2612। So it's also lying on a crucial level 1.26, 1.2630 levels. So iske upar agar strong close deta hai, in such a case, target is towards 1.282850. Agar niche ke taraf aate hain, in such a case, the swing low ko test karne ke liye aane ka higher probabilities hai. So CPI data ke baad dekhna hai kya move kar rahe hain. GBP INR similarly is के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज देते हैं इन सच ए केस इट में मूव टुवर्ड्स 106.2530, अदरवाइज अगर नीचे की तरफ आते हैं तो 104.00 की तरफ। यूरो डॉलर कल के दिन में एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया हुआ है एक रेजिस्टेंस के ऊपर। ये रेजिस्टेंस के यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप मींस एक नीचे की तरफ अगर लो को तोड़ते हैं इन सच ए केस towards 1.07 1.0725 जा सकते हैं। अगर हाई को तोड़ते हैं after US CPI data, in such case 1.092040 के तरफ जाने का higher probabilities हो सकते हैं। Euro INR में भी ये जो resistance को respect करके नीचे की तरफ आ रहे हैं, so अभी immediately जो support हो सकता है वो है आपका 89.20 का। After US CPI data, हमें देखना क्या ये ऊपर की तरफ फर्दर रन करते हैं या नीचे की तरफ क्रैक डाउन करते हैं। डॉलर येन 149.48, ये काफी कंसोलिडेट कर रहा है। ये बेसिकली अभी कुछ देखना नहीं है, जो भी देखना है US CPI data के बाद देखना है, ये क्या इसके ऊपर सस्टेन करते हैं या नीचे ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे ब्रेक डाउन करते हैं। सिमिलर एनालिसिस JPY INR वही है आपका, क्विकनेस बरकरार है, लेकिन अगर यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं ऊपर की तरफ जाना है तो हमें इस टाइप का डबल अपस्विंग को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाना चाहिए। डॉलर कैंडी कंसोलिडेशन इन बिटवीन 1.3350 एंड 1.3550, इसको कंसोलिडेट करने देते हैं, उसके बाद देखते हैं प्राइस एक्शन की तरफ मोड़ते हैं। अभी ऑसी डॉलर में भी बाइंग के लिए हमें डबल टॉप को तोड़ना है, अभी एक सिंगल टॉप को तोड़ नहीं पाया, उसको तोड़ने देते हैं, उसके बाद देखते हैं सेकंड टॉप कहाँ पे आते हैं। डॉलर सीएनए 7.2170 यहाँ पे अच्छा एक मॉर्निंग आवर्स में एक सेलिंग दिख रहा है, लेकिन देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज की डॉलर सीएनए में मूव टुवर्ड्स 7.25 एंड सब्सिक्वेंटली 7.29। ब्रेंट क्रूड कल के दिन में ये जो क्लोज दिया हुआ है आपका 82.13, ये कंसोलिडेट कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ प्राइस में थोड़ा सा क्लैरिटी इज मिसिंग, सो इस रेंज से बाहर निकलने देते हैं, उसके बाद हम इसको दोबारा एनालाइज करने का प्रयास करेंगे। डॉलर यूएस 10-year ट्रेजरी ये आपका 4.185 ये रेजिस्टेंस लेवल पे टिक डाउन कर रहे हैं। वही यूएसए पे डेटा का इंतजार है, क्या डेटा के बाद ऊपर की तरफ जाता है या नीचे की तरफ आता है वही हमें देखना है। ये 2-year ट्रेजरी सिमिलरली एक रेजिस्टेंस के लेवल के जस्ट टॉप पे उस ब्रिंक पे अब कंसोलिडेट कर रहे हैं, अभी डेटा का इंतजार है। लास्ट फाइनली इज आवर डॉलर रुपी कंसोलिडेशंस विद सेलिंग इंटरेस्ट ऑन द ऑप्टिक्स, लेकिन हमें जब तक इनविजिबल हैंड्स बोथ साइड में है, स्पेशली ऑन द हायर लोअर साइड आपका एज ऑफ नाउ 82.80, 82.90 इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। सो जब तक वो है नीचे की तरफ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, अदरवाइज प्राइस एक्शन वाइज शॉर्ट टर्म पे ये नीचे की तरफ आने का हायर प्रोबेबिलिटीज है। सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये प्रेजेंटेशंस आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो
लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एंड बाय।